हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी को पता है कि इस चैनल के बारे में, और एक एजुकेशन चैनल है। आप सभी के सपोर्ट से मैं आगे बढ़ता हूं, इसलिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। इस चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। माय डियर स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ही एक दिन बच गया है। कल से, परसों से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बार बार कर रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमने रीवेरिफिकेशन को और रिकाउंटिंग को अप्लाई किया है, इसका रिजल्ट हमको कब तक मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी अपडेट के लिए बहुत बहुत बार सर्च कर रहा हूं, कहीं कोई अपडेट नहीं है। कुछ सोर्सेस के हवाले से पता चला था कि सेकंड वीक में रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। जून की आप सभी के लिए सेकंड वीक भी होने आया है। एग्जाम से पास आए हैं तो रिजल्ट का कोई आता है ना पता है, इंतजार की हद भी हो रही है आप सभी की। तो फाइनली मैंने बोर्ड से बात किया है कि रिजल्ट कब रिलीज किए जा रहे हैं और रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग के। तो वो लोग कह रहे हैं कि अभी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, तो इसलिए अभी टाइम लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रिजल्ट आने के लिए और टाइम लगेगा। आप लोग सोच रहे थे कि मैं भी आपके दिल की बात जानता हूं, मैं भी समझ सकता हूं कि आप सोच रहे थे कि काश हमारा रिजल्ट सप्लीमेंट्री से पहले आ गया, तो अगर पॉजिटिव है तो गुड है, अगर नेगेटिव रहा तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्स लिख लेंगे। इस तरह आपने सोचकर रखा था, लेकिन ये फाइनली मजबूरन आपको एग्जाम लिखना ही पड़ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम एग्जाम्स लिख लेंगे, एग्जाम्स के बाद अगर हमारा सप्लीमेंट्री से रिजल्ट से पहले रिवेरिफिकेशन रिकाउंटिंग में अगर हम पास हो जाएंगे तो उसका क्या होगा। इसका मैं जवाब आपको दे देता हूं। अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम भी लिख देते हैं, एग्जाम्स के रिजल्ट से पहले रीवेरिफिकेशन रीकाउंटिंग का रिजल्ट अगर आता है, तो यही रिजल्ट आपको काउंट किया जाएगा और आपको मेमो में रेगुलर आएगा। कोई स्टार या कोई सप्लीमेंट्री या कोई प्राइवेट नहीं आएगा। अगर से आप इन एग्जाम में फेल हो जाते हैं, रीवेरिफिकेशन रीकाउंटिंग के मार्क्स उतने ही होते हैं जितने आपके अप्रैल में लिखे थे, उतने ही होते हैं जिसके बिना पर आपका रिजल्ट रिलीज किया गया था, उस वक्त आपके सप्लीमेंट्री के एग्जाम मार्क्स ऐड किए जाएंगे। सप्लीमेंट्री में पास होना अनिवार्य है, सप्लीमेंट्री में पास होना आपको जरूरी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत वेट कर लिए आप अपने रिजल्ट का, स्टडी में लग जाइए, एग्जाम लिखिए, देखा जाएगा एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है। अगर पास होते हैं आप रिकाउंटिंग रिवेरिफिकेशन में, मार्क्स बढ़ते हैं, तो इससे खुशी की बात हमारे लिए कुछ और नहीं होगी। लेकिन आप इंतजार में रहेंगे, सप्लीमेंट्री का भी याद नहीं करेंगे, सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है आप में कि हम पास हो जाएंगे, अगर हम पास हो जाएंगे तो ये एग्जाम्स वेस्ट होंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस आपने झलक सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है अपने एग्जाम को लेकर, आपने बहुत सीरियसली पढ़े हैं, बहुत मेहनत से आपने एग्जाम्स लिखे हैं, तैयारी किए हैं। एक अफसोस होता है कि हम इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना पढ़ने के बावजूद भी हम फेल हुए हैं, तो एक अफसोस होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक किया होगा, कहीं ना कहीं आप कुछ गलती की होगी, यही मार्क्स अगर आपको जो अप्रैल में मार्क्स ऐड हुए हैं वही मार्क्स अब ऐड हो रहे हैं या उतने ही मार्क्स आ पा रहे हैं, तो वैसे वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेहतर है स्टडी कीजिए, अगर आप अच्छी तरह लिखिए अपना एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, जो हो गया सो हो गया। अगर आपका रिजल्ट आता है तो रेगुलर हो जाएंगे, रिजल्ट नहीं आता है तो आपके मेमो में प्राइवेट या सप्लीमेंट्री आएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है आपको। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि प्राइवेट आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा, इससे कोई आपके जॉब पे असर नहीं होगा, ना ही आपके कॉलेज पे कहीं असर होगा, आपको कॉलेज में सीट्स मिलेंगे, आप कॉलेज में जरूर ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके कॉलेज स्टार्ट भी हुए हैं, जैसा रेगुलर स्टूडेंट्स के 1 जून से स्टार्ट हुए हैं, आपका रिजल्ट आएगा 10th
तक 10th आपके जुलाई तक आपको रिलीजिव कर दिया जाएगा, बहुत से बहुत 15th जुलाई तक। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो कॉलेजेस स्टार्ट हुए, कॉलेजेस स्टार्ट होने हैं, बुक्स खरीदना है, ये सारे प्रोसेसिंग के एक वीक लोगों को टाइम लगेगा। वन वीक अगर छोड़ देंगे तो एक वन मंथ की शायद आपकी स्टडी पे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये वन मंथ की स्टडी आपको जब आप अपना एडमिशन लेंगे जुलाई में कंप्लीट किया जाएगा। आप उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, ये भी मत सोचिए कि हमको सीट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 100% आपको सीट्स मिलेंगे, हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, 100% आप लेंगे। अगर आपने पॉलीसेट का एग्जाम भी लिखा है, पॉलिटेक्निक का, आपका रिजल्ट आए बाद आपने पॉलीसेट में एडमिशन आप ले सकते हो, क्योंकि पॉलीसेट का रिजल्ट रिलीज हो गया है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम है, काउंसलिंग के लिए अभी टाइम है। 3-4 फेसेस काउंसलिंग होती है। फर्स्ट फेस अगर अब मिस हो गया आपका, सेकंड फेस, थर्ड फेस में आप एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, आप जो ग्रुप चाहे, जो कॉलेज चाहे, हर कॉलेज में, हर ग्रुप में एडमिशन आपको आसानी से मिल सकता है। एक छोटी सी वीडियो था आपकी तरफ से, बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट बतलाइए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम क्या करें। तो मैंने भी सर्च किया, फाइनली मैंने बोर्ड से कांटेक्ट किया, तो यही अपडेट आया है कि अभी टाइम लगेगा। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपना एग्जाम लिख लीजिए, अगर आ गया तो बेहतर होगा, इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं होगी। इंतजार मत कीजिए, अभी एक दिन बचा हुआ है। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं सिर्फ अपने रिजल्ट के इंतजार में वक्त बर्बाद किए हैं, वक्त जाया किए हैं, अपनी स्टडी में अभी फोकस नहीं किए। अभी टाइम है आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स साइंस में फेल है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो तेलुगु में, उर्दू में फेल हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट सोशल में फेल हैं। तो ये जो उर्दू, तेलुगु, सोशल है, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैथमेटिक्स फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि मैं पहले से हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ, फिर एक बार दोहराता हूँ, ये एग्जाम अगर आपके खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं गए, बैडली आपके गए, तो बहुत अफसोस, एक साल आपको अफसोस होगा, याद रखिए, पूरा एक साल आपको पछताना पड़ेगा आपको। लेकिन उम्मीद करते हैं, मैं मेरे चैनल की तरफ से आपसे भी मुझे ट्रस्ट है, आप पे मैं यकीन करता हूँ कि आप अच्छा लिख लोगे, किसी तरह अपना एग्जाम आप क्रैक कर पाओगे, पास हो गए, एटलीस्ट पासिंग मार्क्स क्यों ना हो, आपको पास होकर दिखाना है। बाद में सोचिए आप ग्रेड के बारे में, अच्छे मार्क्स के बारे में, पूरे सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए, इसमें ग्रेड कम हुए, वो बात की बात है, लेकिन ये पढ़ाओ आपको पार करना बहुत ही जरूरी है। तो एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ऑल द बेस्ट सभी।